Hello everyone, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal. Today's lecture is for revision only. This lecture will help you in preparation of your exams. In this lecture, we will revise our chapter 1 of geography and we will discuss all the important things of this chapter with the help of book. So, open your books with me and come to chapter 1 of geography. Start from chapter 1. First of all, see the name of this chapter. What is the name of this chapter? The name of this chapter is resources. तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि resources होते क्या है और हम इनको कैसे define कर सकते हैं. We can say that anything or everything in our surrounding that can be used to satisfy our needs is called a resource. हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे वो हमारे लिए क्या होती है? रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू राइट समथिंग ऑन द बोर्ड देन कैन आई राइट विद माई फिंगर्स ओनली? नो. देन वट आई नीड अ चॉक. विद द हेल्प ऑफ चॉक आई कैन राइट ऑन बोर्ड. दैट्स वाई दिस चॉक इज़ अ रिसोर्स फॉर मी. वाई रिसोर्स? बिकॉज इट इज़ सेटिस्फाइंग माई नीड to write on the board. That's why it is a resource for me. Next example, if we are very thirsty, then what can we drink? We can drink water. Yes or no? We can drink water. Means water can quench our thirst. जो पानी है वही हमारी प्यास बुझा सकता है. That's why water is a resource for us. अभी हम सभी एक दूसरे से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स. दैट्स वाई दीज मोबाइल फोन्स आर रिसोर्सेज फॉर अस, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हम एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं. मीन्स हम कह सकते हैं हमारे आसपास जो भी चीज़ ऐसी है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करे उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज़ अ रिसोर्स फॉर अस. वन मोर थिंग इज गिवन ऑन दिस स्पेस, यूटिलिटी. What is utility? We can say that utility is the wants satisfying power of a commodity. It is also called usability. और जितने भी resources होते हैं उन सब के अंदर ही क्या है? Utility होती है. Means उनके अंदर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की power होती है. That is called utility. Next thing is value. जितने भी resources होते हैं उन सब की value होती है, लेकिन ये जो value है वो two types की हो सकती है. कौन कौन सी? इकोनॉमिक वैल्यू एंड नॉन इकोनॉमिक वैल्यू. इकोनॉमिक वैल्यू इज आल्सो नोन एज कमर्शियल वैल्यू. अब ये इकोनॉमिक वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट के अंदर जाते हो, वहाँ पर आप कोई भी जैसे शर्ट परचेज करते हो या मेटल से बनी हुई कोई चीज़ जो है आप परचेज करते हो, उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, आपको पैसे देने पड़ते हैं. मीन्स उसकी क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू है जिसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं. ओके, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. वो कौन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जांपल, हम किसी गाड़ी में बैठे हुए कहीं पर हम जा रहे, रास्ते में हमें बहुत ही सुंदर जो लैंडस्केप है वो देखने को मिलती है, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, हम उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन हमने उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं. मीन्स इसकी कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है. जो नेक्स्ट चीज़ है, जैसे होम रेमेडीज़, हमारे घर के अंदर जो ग्रैंड मदर्स होते हैं, कई बार जब हम बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? वो हमें कुछ ऐसे नुस्खे बताते हैं, ऐसे रेमेडीज़ बताते हैं जिससे हम जल्दी ठीक हो जाते हैं और हमें डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता है, लेकिन हम वहाँ पर पैसे पे नहीं करते हैं क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसकी क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. थर्ड एग्जाम्पल, हमारे लिए हमारे फैमिली मेम्बर्स का या हमारे फ्रेंड्स का जो भी अफेक्शन है, जो भी लव है उनका हमारे लिए, हम उसके लिए पे नहीं करते हैं. मीन्स ये ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है. जब भी हम कमर्शियल या इकोनॉमिक वैल्यू की बात करते हैं, मीन्स हम पैसे की बात करें, लेकिन जो होम रेमेडीज़ हैं, जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, या फिर और क्या बताएं मैंने, अफेक्शन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, इनके लिए हम कोई भी पेमेंट नहीं करते हैं. मीन्स इन चीज़ों की क्या है? कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. और नेक्स्ट पेज, टू थिंग्स आर गिवन हेयर, टाइम एंड टेक्नोलॉजी. एंड टाइम एंड टेक्नोलॉजी, वी कैन से दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स.
विद द टाइम कोई भी सब्सटेंस है वो रिसोर्स बनता जाता है और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स उसको फाइंड आउट भी करते हैं, साथ में उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके उसको यूजेबल बना लेते हैं, अपने लिए एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया, टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पर आपके चैप्टर में रिसोर्सेज के 3 टाइप्स बताए गए हैं और वो कौन कौन से हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एज अ रिसोर्स। वी विल डिस्कस ऑल दीज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज वन बाय वन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? इट इज़ वेरी इजी। वी कैन से दैट द रिसोर्सेज दैट वी ड्रॉ फ्रॉम नेचर और द रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द रिसोर्सेज दैट आर मेड बाई नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज एंड दीज रिसोर्सेज कैन बी यूज विदाउट मच मोडिफिकेशन। जैसे नेचर ने हमें दिए हैं हम वैसे ही इनको यूज़ कर लेते हैं। अगर कहीं मॉडिफिकेशन करने की नीड भी होती है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ही मॉडिफिकेशन करते हैं, वरना डायरेक्टली ही हम नेचुरल रिसोर्सेज को एज इट इज यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स, माउंटेन्स, रॉक्स, एयर, ये सभी चीज़ें क्या है, दे आर मेड बाय नेचर, दैट्स वाई दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं, उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स और वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एंड द फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वी विल डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन। फर्स्ट कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। पहले हम एक्चुअल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। वी कैन से दैट दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट, दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड एट प्रेजेंट एंड द एंटायर क्वांटिटी ऑफ दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नॉन। ऐसे रिसोर्सेज जिनका प्रेजेंट में हम यूज़ भी कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है ये भी बात हमें पता है, ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, रूहर रीजन ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया एंड द डार्क सोइल ऑफ डेक्कन प्लेटो इन इंडिया। इसमें क्या बताए हैं, रूहर इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, ये जर्मनी के अंदर एक प्लेस है और यहाँ पर कोल डिपॉजिट्स हमें देखने को मिलते हैं, और इंडिया के अंदर जो डेक्कन प्लेटो है जो महाराष्ट्र और कर्नाटका की साइड का जो हिस्सा है यहाँ पर डार्क या ब्लैक सोइल यहाँ पर मिलते हैं, दैट इज़ एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल कैसे, क्योंकि कितने रीजन पर या कितने एरिया पर ये सोइल मिल रही है और इसकी फर्टिलिटी कैसी है ये चीज़ें हमें पता है, मीन्स प्रेजेंट डे में हम उसका यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ एक्चुअल। नेक्स्ट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, द रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वान्टिटी इज नॉट नॉन एंड दे आर नॉट यूज एट प्रेजेंट टाइम बट इट मे बी पॉसिबल दैट इन फ्यूचर दे मे बी यूज। हो सकता है कि फ्यूचर में हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो जाए उसकी वजह से हम उन रिसोर्सेज को फ्यूचर में यूज़ करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, इंडिया के अंदर लद्दाख के अंदर जो भी यहाँ पर यूरेनियम मिलता है उसका यूज़ अभी नहीं किया जा रहा है। यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम का यूज़ जो न्यूक्लियर पावर होती है वो बनाने में होता है, जैसे कि रॉकेट वगैरह में जो पावर यूज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर बनती ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे पावर स्टेशंस लगाए गए हैं लेकिन उनके लिए जो यूरेनियम है वो अदर प्लेसेस से लिया जाता है, लेकिन लद्दाख के अंदर जो अभी तक यूरेनियम है उसको निकाला नहीं गया है, उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, मीन्स हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर अस। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। वी कैन से दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन बायोटिक रिसोर्सेज। लिविंग थिंग्स जैसे कि मैं हूँ, आप हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हम सभी ह्यूमन बींग्स इसमें इंक्लूड हैं, साथ में जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन बायोटिक रिसोर्सेज, क्योंकि ये सभी क्या हैं, लिविंग हैं।
Next is abiotic resources. All non-living things are included in abiotic resources. Non-living, जैसे कि rocks है, mountains है, soil है, इस type की जो चीज़ें हैं, they are non-living. That's why they are included in abiotic resources. Next is on the basis of stock. There are two types of resources, renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources that can get renewed quickly and their stock is unlimited. ऐसे resources जिनको हम बार बार use कर सकते हैं क्योंकि उनका stock unlimited है, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे. They are called renewable resources. For example, air and sunlight. एयर है वो ख़त्म नहीं होती है, कॉन्टिन्यूसली अपने आप को जो है रिन्यू करते रहते हैं. ऐसे ही सनलाइट और विंड, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनका स्टॉक लिमिटेड होता है. अगर एक बार ये ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए एक बार, तो इनके बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है. दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड इन नॉन रिन्यूएबल. वी कांट यूज देम अगेन एंड अगेन. ओके, so these were on the basis of the stock. Next one is on the basis of distribution. There are two types of resources on the basis of the distribution. First is ubiquitous resources. We can say that the resources that are found everywhere, they are called ubiquitous resources. Ab aise kaun se resources hai jo har jagah milte hain? For example, we can say air and sunlight. हम जैसे किसी भी कंट्री में चले जाएं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, हमें वहाँ एयर भी मिलती है, हमें वहाँ सनलाइट भी मिलती है. जो सनलाइट है उसका अमाउंट कहीं पर ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है, लेकिन सनलाइट हमें मिलती ज़रूर है. सो ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो यूबिक्यूटस हैं, जो हर जगह हमें देखने को मिलते हैं. सेकेंड टाइप इज़ लोकलाइज्ड. कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं that are found at particular or certain places, means जो हर जगह नहीं मिलते हैं. For example, जैसे iron ore है, coal है, ऐसे जो resources हैं वो हर जगह नहीं मिलते हैं. They are found only at certain or particular places. That's why they are called localized resources. अभी तक हमने क्या किया है, जो natural resources है उनके बारे में पढ़ा है, natural resources की जो category है उनके बारे में पढ़ा है. मीन्स यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया. सेकंड टाइप के रिसोर्सेज मैंने कौन सा बताया था आपको, ह्यूमन मेड. लेकिन ये रिसोर्सेज करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो इवन नहीं है, इक्वल नहीं है. वाई, क्या रीजन्स है इसके पीछे. देर आर थ्री रीजन्स, टेरेन, क्लाइमेट एंड आल्टीट्यूड. जो टेरेन, टेरेन मीन्स एरिया, जो टेरन है, क्लाइमेट है, आल्टीट्यूड है, प्लेस टू प्लेस क्या है, डिफर करता है. ओके, प्लेस टू प्लेस हमें अलग अलग मिलता है और इन्हीं चीज़ों पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वो डिपेंड करता है. जब यही चीज़ चेंज हो जाती है तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाता है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. दिस इज़ वेरी इजी. वी कैन से दैट द रिसोर्सेज दैट आर मेड बाई ह्यूमन बींग, दे आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने अपने आसपास कितने सारे रिसोर्सेज बनाए. जैसे आप अभी अपने घर के अंदर ही बैठे हो, आप एक बार ऐसे यूँ नज़र घुमा के देखोगे, आपको इतने सारे रिसोर्सेज अपने रूम के अंदर मिलेंगे दैट आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो नेचुरल सब्सटेंस है उनकी हेल्प लेके, उनके ऊपर टेक्नोलॉजी लगा के और उनको अपने लिए यूजेबल बना लेते हैं, अपने लिए जो रिसोर्सेज हैं वो क्रिएट कर लेते हैं. In simple language, we can say that the resources that are made by human, they are called human-made resource. Next, जो मैंने आपको resource बताया था, human as a resource, means हम सभी जो human beings हैं, हम भी एक resource हैं. सुनने में आपको थोड़ा सा surprising लग रहा होगा, but we are also resource. कैसे? हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है और इन चीज़ों की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी नेचुरल सब्सटेंस होते हैं उनको रिसोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. जैसे कि जो फैन है या जो एसी है या जो टीवी है, फ्रिज है, जो हम अपने घर के अंदर यूज़ करते हैं, वो नेचर ने तो बनाए नहीं है. हमने क्या किया, जो नेचुरल सब्सटेंस है उनसे उनकी हेल्प ली, उनके ऊपर टेक्नोलॉजी लगाई और उनको एक ऐसे रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया जो हमारे लिए यूजफुल है. तो हमारे पास नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है, दैट्स वाई वी आर रिसोर्स. और अगर किसी भी हम नेशन की, किसी भी कंट्री की बात करें,
तो ह्यूमन बींग्स को वहाँ के ग्रेटेस्ट रिसोर्स माना जाता है, सबसे बड़े रिसोर्सेज वहाँ के ह्यूमन बींग्स ही होते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको क्या है, ग्रेट रिसोर्स माना जाता है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है और टेक्नोलॉजी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन बींग्स की हेल्प करती हैं सब्सटेंसेस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। वी कैन से दैट दीज थिंग्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल एंड मेक देम एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, इट इज पेज नंबर 5, कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्व करना क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, ओके। एंड व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, वी कैन से यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए, उनकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए और उनको टाइम भी देना चाहिए ताकि वो अपने आप को रिन्यू कर पाए, इट इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड रिसोर्स, इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास प्रेजेंट में जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ हमें बहुत ही केयरफुली करना है। वाई, किस लिए करना है, क्योंकि हमारी नीड्स भी फुलफिल हो जाएं और साथ में जो कमिंग जनरेशन, फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उनके लिए भी कुछ बच जाए, वो भी उन चीज़ों का यूज़ करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। इसलिए क्या, हमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, वी शुड यूज़ आवर रिसोर्सेज केयरफुली, दैट्स वाई वी कैन मीट आवर नीड्स एज वेल एज वी कैन कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, इट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, इट इज़ लास्ट पेज ऑफ आवर चैप्टर। सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर गिवन ऑन दिस पेज, आई विल रीड वन बाई वन एंड एक्सप्लेन यू। फर्स्ट इज रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मीन्स अर्थ के ऊपर जितने भी लाइफ की फॉर्म्स हैं हमें उन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ है उनकी लाइफ की, जो ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए इसके लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड द डाइवर्सिटी, हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है और उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, उसको हार्म नहीं करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको कम करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नीड ही यूज़ करना चाहिए, वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो रहे हैं, जो डिक्रीज हो रहे हैं, जो कम हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, मीन्स हमारी जो नीड्स है वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगी और जो कमिंग जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बच जाएगा, जो डिप्लीशन है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। सेकंड है चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, हमें जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, मीन्स हमें एफर्ट्स करने चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें। ओके, मान लो अगर हम ये सोचते हैं कि अगर मैं अकेला पॉलीथीन यूज़ नहीं करता हूं, कोई भी जो स्टूडेंट है वो मान लो यही सोचता है कि मेरे अकेले पॉलीथीन यूज़ न करने से क्या हो जाएगा, लेकिन अगर वो पॉलीथीन यूज़ नहीं करता है उससे दूसरे जो बच्चे हैं वो भी सीखेंगे, वो भी कुछ ना कुछ उससे सीख लेंगे और वो भी क्या है कुछ टाइम बाद मोटिवेट होने के बाद वो उसका यूज़ बंद कर देंगे। इससे क्या है हमारे एनवायरमेंट को फ़ायदा होगा, मीन्स यहाँ पर मेन बात क्या है कि हमें अपना जो एटीट्यूड है टुवार्ड्स एनवायरनमेंट उसको चेंज करना चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, पॉल्यूशन कम से कम करना चाहिए। लास्ट इज इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, जिस भी कम्युनिटी में, जिस भी ग्रुप में, जिस भी सोसाइटी में, जिस भी कॉलोनी में हम रहते हैं, वहाँ पर जितने भी पर्संस हैं हमें उन सबको मोटिवेट करना चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमें उसको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। आफ्टर दिस वी हैव कम्प्लीटेड अवर चैप्टर, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सी योर फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन,
Why are resources distributed unequally over the earth? I told you three things: terrain, climate and altitude. All these are responsible for the unequal distribution of the resources all over the earth. Next is, what is resource conservation? I have told you, why are human resources important? Human have technology, knowledge and skill. That's why they can create more and more resources for them. That's why human beings are considered an important resource. What is sustainable development? इसमें मैंने अभी आपको बताया, balancing the need to use resources and conserve them for future. It is called sustainable development. Next is potential and actual resources. I have told you, potential that are not used at present time, actual that are used at present time. And potential, whole quantity of potential resources are not known, while the entire quantity for the actual resources is known to us. Next is ubiquitous and localized resources. Ubiquitous that are found everywhere, for example, air and sunlight. Localized that are found at particular places, for example, iron, copper. ये आपके NCERT questions हैं. इसके बाद कुछ internal questions अब भी आपसे जो है पूछे जा सकते हैं. For example, what help in making people a valuable resource? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो human beings को valuable resource बनाने में help करती है? I told you three things: health, technology and skill. What is human resource development? जैसे कि जो education है या फिर जो health है, skill है, अगर इनके ऊपर जो government है काफ़ी पैसा लगाती है तो इससे क्या होगा, जितने भी human beings हैं वो सभी educated होंगे, उनकी health अच्छी रहेगी. It means उनकी जो quality है वो improve हो जाएगी and they will be able to create more and more resources. It is called human resource development. Difference between renewable and non-renewable resources. I have told you, renewable means that can be used again and their stock is unlimited. Non-renewable, that cannot be used again and their stock is limited. Once they exhausted, then they will take a long time period to get renewed. तो इस तरीके से आपसे जो question है वो पूछे जा सकते हैं. हम ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं. सभी जो क्वेश्चंस हैं इंटरनल और एनसीईआरटी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं. थैंक यू.